नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। रमजान के मुबारक महीने चल रहे हैं। रमजान के पवित्र माह में इस्लाम के जो धर्मावलंबी है वो सभी रोजे करते हैं। पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के लोग रोजे करते हैं, जिनमें अरब के लोग शामिल हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए, चाहे वो बोहराज हो, दाऊदी बोहरा हो, सभी लोग रोजा करते हैं। ये अभी रमजान जो चल रहा है इसमें लगभग 14 घंटे करीब के लोग रोजा रख रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक भूखा प्यासा रहकर ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान की इबादत में मशगूल रहते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ राजस्व कॉलोनी में। मेरे साथ दादी माँ है जिनकी उम्र 107 साल है। इनका नाम अमीनाबाई ढोलफाड़े, नीमच के राजस्व कॉलोनी में रहती है, चौथी पीढ़ी देख रही है। लेकिन ये बरसों से, लगभग 12 साल से करीबन, ये पाबंदी के साथ अपने रोजे करती हैं, इबादत करती हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। आइए इनसे बात करते हैं, ये किस तरह से रोजे करती हैं, इबादत करती हैं, इनसे सारी बात करते हैं। हाँ जी, कब से रोजे कर रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? उम्र अभी 105 की है जी, और मैं 16 साल से रोजा कर रही हूँ। 16 साल की उम्र थी तब से? 15 साल से स्टार्ट हुआ जी, जब से ये रोजा नमाज बराबर रख रही हूँ जी। भगवान की प्रार्थना करती रहती हूँ जी। मेरे 3 भाई है जी, इनका वसीला लेती रहती हूँ हमेशा जी। कुछ भी मुसीबत पड़ी, कुछ भी मेहनत पड़ी या तबियत खराब हो गई तो ये भाइयों को याद कर लेती हूँ जी, मेरा आराम हो जाता है। सब कौन के लिए दुआ मांगती हूँ। आप सबके लिए क्या दुआ मांगती हैं? ये दुआ तो जैसे भगवान मुझे अच्छी ऐसी उम्र सबको देना, हाँ। और सबको ऐसी तंदुरुस्ती अटा करना सबको जी जी जी। तो जैसे मेरी तंदुरुस्ती मुझे अटा करिए, ऐसी सबके लिए करना जी, सब कौन के लिए जी। आप नमाज और रोजे रमजान में या रोज पाबंदी से करती हैं? नमाज रोज पढ़ती है और रमजान में हमें कब रोजे कर रही, करीब 12 साल हो गए आपको रोजे तो जी, क्या कहेंगे? भगवान को याद करती हूँ, रोजा रखती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, तर्जी सारे दिन करती हूँ जी। कुरान कुरान मजीद पढ़ती हूँ तो हाथ से दिखता नहीं है जी। मैं पहले पढ़ती थी, पहले कुरान मजीद भी पढ़ती थी, सब दुआ वो भी पढ़ती थी जी जी, सब करती थी जी। अब आज चली गई, जितना बन हो गया जब से तर्जी कर रही जी जी। आपको किसी तरह की तकलीफ बीमारी तो नहीं है? ऐसी छोटी मोटी तो होती रहती है, कभी बुखार आ गया, कभी खांसी हो गई, कभी सर्दी हो गई, फिर गोली लेती हूँ, कभी होता है तो सरकारी अस्पताल जाके दिखा देती हूँ। अच्छा जी जी जी। इबादत में मुल्क के लिए क्या दुआ करती है, देश के लिए? भगवान सबको अच्छा रखे, अगर बीमार भी हो तो शिफा दे उसको भगवान जी। ये देश के लिए, लोगों के लिए क्या दुआ करती है? सबके लिए, सब भगवान सबको अच्छा रखना बस। भाईचारे, भाईचारा सब कौम के लिए जी, सब कौम के भाईचारे के लिए दुआ करती है। दुआ करती जी जी, जैसे रखी भगवान ऐसे सबको रखना जी जी जी। आपका खाना पीना वगैरह बिल्कुल सादा सिंपल, किस तरह, इतनी उम्र का क्या राज है? बस ये घर में जो बनता है वो सबके साथियों में खा लेती हूँ, खा में बैठ कर जी। अच्छा, इस उम्र में वोट देने जाते हो आप? ये साल नहीं गई, नहीं तो जाती थी। इस साल तो चुनाव हुए भी नहीं है, हाँ। पिछले साल हुए थे, हाँ। क्या? आप वोट देने जाते हो? वोट देने, हाँ, जाती हूँ, पहले जाती थी, अभी ये साल नहीं गई जी जी। तबियत ठीक नहीं थी तो नहीं गई ये साल, हाँ। आपको कलेक्टर साहब ने भी तो सम्मानित किया था वोट, हाँ। देने के लिए साल हो गया था, फूल की माला पहनाई थी, हाथ में नारियल दिया था, और नाश्ता पानी किया था। अच्छा, ये बताओ दादी माँ, क्या आप पाबंदी से घर पे नमाज पढ़ते हैं, किस तरह से लोगों को क्या हिदायत देंगे, लोगों से क्या कहेंगे आप? सबके लिए दुआ करती हूँ। नहीं, लोगों को, हमारी पीढ़ी को रोजी रोजा करने के लिए, इबादत के लिए
क्या सलाह देंगे? यही सलाह कि जिसे मैं करती हूँ सबके लिए रोजा रखे, नमाज पढ़े, सब जी जी अपनी बोरा को मैं सब नमाज सलाह करे, मेरे लिए सब दुआएं करे, सब कुरान मजीद की तिलावत करे। और क्या कहेंगे? आपकी ये कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये चौथी पीढ़ी चल रही है। कितने नवासे पोते नवासी है आपके? रोजी 1500 बच्चे है सब की मिलते जी। रोजे में आप लोगों से और क्या कहना चाहेंगे और जिंदगी जीने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिंदगी लिए सबर करना, शुक्र करना भगवान का, जो दिया है उसके ऊपर सबर करना, भगवान बहुत भगवान ने दिया है तो हाथ छुट्टा रखो, सबको दो लो, भगवान और खुश होता है जी। रमजान में बहुत बढ़िया सलाह दादी माँ ने दी, बड़ी बात कह दी कि भगवान का सब्र करो, सब्र करो, भगवान का शुक्र करो, अगर भगवान ने आपको दिया है तो हाथ छुट्टा रखो। ये रमजान के पवित्र महीने में दादी माँ का संदेश है। 107 साल की उम्र में वो रोजा कर रही है, पाबंदी से कर रही है। वे बता रही कि जब वो 15 साल की थी तब से रोजा कर रही है। यदि इस तरह से गिने तो वो 92 साल से रोजा करती हुई आ रही है। उनके साथ भरा पूरा परिवार जुड़ा है, वो बराबर से इबादत करती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तस्बीह करती है। और उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के लिए खूब दुआएं करती हूँ, वो भगवान से दुआ करती, ईश्वर अल्लाह से दुआ करती कि सबकी समृद्धि हो, सबकी रोजी में, स्वास्थ्य में, प्रगति में लगातार बरकत हो, स्वस्थ रहे सब लोग, इसकी खास दुआ करती है। और उन्होंने एक बात और कही कि मेरी लंबी उम्र का जो राज है वो ये है कि मैं घर का सादा खाना खाती हूँ। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली।